दतिया जिला अस्पताल में मरीजों की दवा चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल की ड्यूटी स्टाफ ने एक युवक को रंगे हाथों दवा चोरी करते हुए पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में दवा चोरी का मामला काफी समय से चल रहा था। इस मामले की शिकायत मरीज चिकित्सकों से करते थे, लेकिन चिकित्सक इसको नजरअंदाज कर मरीजों पर ही टाल देते थे। दवा चोरी का खुलासा देर रात अस्पताल के ड्यूटी स्टाफ ने किया। ड्यूटी स्टाफ ने एक युवक को रंगे हाथों दवा चोरी करते हुए पकड़ा है। दवा ले जाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। युवक जैसे ही अस्पताल के बाहर निकला और अपनी स्कूटी में रखने लगा तो स्टाफ ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक का नाम टिंकू परिहार है, जो कि एक निजी अस्पताल में कर्मचारी है। कल रात में लगभग 1:30 बजे ट्रॉमा सेंटर में एक चोर घुसाया था, उसके द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। हमारे मौजूद स्टाफ ने तुरंत जाकर उसको रोका, कुछ सामान उसे छीन लिया, उसकी स्कूटी भी वहीं पर छूट गई। रात में ही कोतवाली को इसके बारे में अवगत करा दिया गया था। उनके द्वारा एक आवेदन मांगा गया है, जो कि ड्यूटी स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराए अभी दे देंगे, ताकि FIR की जा सके और आगे कार्रवाई हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।